फ्रेंड्स, आज जो मौसम काफी सुंदर है, जो यहाँ देहरादून में जो आज सुबह सुबह काफी धूप निकली और बारिश कम हुई जो, और इसलिए हम निकल पड़े जो महादेव के मंदिर जो दर्शन के लिए, जो देहरादून और मसूरी रोड जाते समय आपको बाईपास में मिलेगा, जो तपकेसर टेम्पल से काफ़ी खूबसूरत मंदिर है वहाँ, जो शिव भगवान के देवालय है, जो प्राचीन काल के मंदिर। फ्रेंड, आपको मेरे ब्लॉग पे स्वागत और गुड मॉर्निंग टू ऑल फैंस। और आज हम जा रहे देहरादून की एक महादेव की मंदिर है, जो प्राचीन काल की मंदिर है, वहां आपको ले जा रहेंगे। हम चल रहे जो प्राचीन मंदिर देखने के लिए, जो महादेव के दर्शन के लिए, जो देहरादून में है, काफी खूबसूरत है, जो भोले बाबा का मंदिर है, जो तपकेसर को। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे ब्लॉग पे। फ्रेंड्स, अभी जो है मैं शिव की टेम्पल जो देहरादून पे है वहाँ जा रहा हूँ। अभी फिलहाल पहले मैं देहरादून के करीब जो 8 किलोमीटर डिस्टेंस पे है तपकेसर शिव मंदिर है वहाँ पे जा रहा हूँ, और उसी के बाद में जो मसूरी रोड पे और एक शिव मंदिर है वहाँ जा रहा हूँ। और आप लोग आइए, जब विजिट कीजिए वहाँ पे। अभी जो आप यहाँ आने से ओला उबेर बुक करके जा सकते हैं, कम्फर्टेबल जर्नी होता है ओला उबेर से। हेलो, गुड मॉर्निंग, आसाम अपना जा देहरादून आ मैंने तपकेसर मंदिर से टेम्पो अपनी जा और ओला उबेर जब जाते ओला उबेर बहुत सुविधा से, और जी रेट आसलाइन सीमान रेट दी लगे एक असुविधा ना अपना। इतना मसूरी तो एक रोड शिव टेम्पल आज गए। फ्रेंड्स, अभी मैं आपको दिखाता हूँ जो रोड पे जो व्यूज जो जा रहा हूँ मैं जो शिव टेम्पल जो तपकेसर मंदिर की ओर। हेलो गुड डे फ्रेंड्स, अभी मैं यहाँ से कुछ व्यूज दिखाऊंगा जो मंदिर की ओर जाने वाला। वे टू तपकेसर मंदिर। पहुंचने वाला है अभी जो गली में जो तपकेसर टेम्पल जो गली है वहाँ हम लोग इन हो रहे हैं, और अभी कुछ ही पल में आपको जो तपकेसर टेम्पल्स की ओर हम पहुंचेंगे, जो काफी खूबसूरत व्यूज दिखा रहा है। जो गली जो काफी सुंदर है, नीट एंड क्लीन जो गली तपकेसर मंदिर की गली। और हम अभी आखिर में यहाँ जो गली के रोड में पहुंच गया और मंदिर कॉम्प्लेक्स में इन होने वाला है। सर, हम पहुंच गए मंदिर परिसर में और काफी खूबसूरत लगा जो मंदिर परिसर काफी खूबसूरत है फ्रेंड्स, वो जो तपकेसर मंदिर के कॉम्प्लेक्स। और आखिरकार हम पहुंच गए तपकेसर मंदिर जो काफी खूबसूरत है। फ्रेंड्स, यहाँ पहुंच के काफी अच्छे लगे, और आपको मैं इस ब्लॉग पे दिखाऊंगा जो तपकेसर टेम्पल्स की पूरा फुल वीडियो, आप लोग देखिए और एंजॉय कीजिए मेरे ब्लॉग को। फ्रेंड्स, एंड वेलकम टू तपकेसर देवालय देवालय। फ्रेंड्स, अड्डा हम पहुंच गए और यहाँ पे हम उतर के यहाँ आए तो देखे सामने जो एक बहुत ही बड़ा महारहर महादेव जो बैठे हुए हैं, काफी अच्छे लगे उनका जो मूर्ति देख के हमें काफी मन को शांति मिला। जो वेलकम करते हैं यहाँ पे एकदम विशाल जो है शिव का जो मूर्ति है जो, और सुबह सुबह जो धूप की जो रोशनी उनके सफेद जो मूर्ति है वहाँ पे गिरे तो और भी खूबसूरत। ओसम 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 बेटे, कितने खूबसूरत हर हर महादेव की जो मूर्ति है। और आप लोग आइए यहाँ दर्शन के लिए जो देहरादून की जो। फ्रेंड्स, हम अभी मंदिर की जो दर्शन करने जा रहे हैं, अभी हम मंदिर की सीढ़ी से अभी जा रहे हैं, जो मंदिर काफी खूबसूरत लग रहा है। जो बाहर देखने में जो सीढ़ी है जो डाउनवर्ड्स में जाना है आपको, नीचे पहाड़ के नीचे जो है जो वहाँ पे सीढ़ी बनी है, जो आप सीढ़ी से आप जाइए जो काफी अच्छे लग रहे हैं। जो गुवाहाटी में जो कामाख्या मंदिर ऊपर चढ़ के जाना, तो और यहाँ पे जो तापकेसर मंदिर है जो यहाँ पे डाउनवर्ड्स में आपको सीढ़ी में चल के जाना होता है, जो सीढ़ी काफी लंबी है। और हम उत्साहित है जो मंदिर की जो तपकेसर मंदिर को जो दर्शन के लिए, जो शिवलिंग के जो दर्शन के लिए काफी
उत्साहित है हम देखने के लिए फैन, और आप लोग वेलकम है, आप लोग आइए दर्शन के लिए जी। हम अभी जा रहे हैं, काफी अच्छे लग रहे हैं। याद जो है जो भक्त लोग काफी भीड़ नहीं है, फिर भी खाली है, और हम जो है लकी है जो भीड़ बिना भीड़ में आज जाकर दर्शन देंगे जो भोले बाबा। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है तारकेश्वर मंदिर ऑफ देहरादून, जो देहरादून शहर से करीब 6 किलोमीटर दूरी पर गढ़ी कैन छावनी क्षेत्र में जो तमसा नदी के तट पर से तारकेश्वर महादेव मंदिर की स्थिति है। महाभारत काल से पहले गुरु द्रोणाचार्य ने जगत कल्याण के लिए तप किए थे, जिसपे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनको साक्षात दर्शन दिए, और तभी से यहाँ जो शिवलिंग जो स्थापित किए गए। और ये जो शिवलिंग काफी खूबसूरत है, जो ऊपर से जल 24 घंटा जो पानी का जल जो गिरते रहते हैं, जो यहाँ शिव भगवान की शिवलिंग पे जल देना जरूरी नहीं है, जो यहाँ हर समय पे जो शिवलिंग पे टप 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 करके जो जल गिरते रहते हैं, जो गुफा है, गुफा में जो ठंडी जल जो शिवलिंग के ऊपर जो अद्भुत लगा, हमें आश्चर्यजनक लगा यहाँ देखे। और आप लोग आइए यहाँ देखिए जो शिवलिंग है, यहाँ जो तारकेश्वर मंदिर जो देहरादून की है, काफ़ी प्राचीन काल की मंदिर है, बहुत ही खूबसूरत है। वेलकम टू यहर, आप लोग सब आइए यहाँ पे दर्शन कीजिए। और फ्रेंड्स, जो मंदिर परिसर काफ़ी बड़ा है, यहाँ जो यहाँ मंदिर परिसर में माँ वैष्णो देवी की मंदिर है, जो माँ काली मंदिर है, विष्णु देव जो विष्णु भगवान विष्णु की भी मंदिर है यहाँ पे, जो हनुमान बजरंग बली यहाँ पे बसे हैं, जो हनुमान मंदिर, हनुमान की जो विशाल बहुत बड़ा मंदिर मूर्ति जो हनुमान जी की है, आप आइए देखिए जो यहाँ अच्छे लगे। यहाँ जो तारकेश्वर टेम्पल्स जो देहरादून काफ़ी खूबसूरत है, हमें बहुत ही अच्छा लगा, और उम्मीद है आपको अच्छे लगे। ये मंदिर जो है प्राचीन काल की मंदिर है फ्रेंड्स, जो भोले बाबा ने यहाँ देवेश्वर के रूप के रूप में दर्शन दिए थे, जो यहाँ इस जो तारकेश्वर मंदिर में जो भोले बाबा ने उनके देवेश्वर के रूप में यहाँ दर्शन दिए थे, तभी से ये मंदिर जो है प्रसिद्ध हुए। और द्रोणाचार्य के सामने जो भगवान शिव ने जो साथ उनके सामने आ पड़े, और ये देवेश्वर के रूप महादेव। जो भोले बाबा के दर्शन के शिवलिंग यहाँ काफी अच्छे लगे। हम अभी बाहर आए, आप बाहर जो ये चट्टान देखिए कितना बड़ा चट्टान है, और अंदर जो शिवलिंग जो है काफी खूबसूरत है। यहाँ मन को शांति मिला, यहाँ आके बहुत ही शांति मिला। और आप लोग आइए यहाँ दर्शन के लिए, जो काफी खूबसूरत मंदिर है, जो तारकेश्वर प्राचीन मंदिर जो देहरादून में स्थित, हमें बहुत ही अच्छे लगे। और उम्मीद है आप लोग भी यहाँ दर्शन दीजिए, जो भोले बाबा यहाँ साथ साथ बैठे हैं यहाँ पे। और अभी हम आपको दिखा रहे हैं जो मंदिर परिसर का जो व्यूज, जो काफी खूबसूरत मंदिर जो आप देखिए, जो प्राचीन काल की जो बनी मंदिर, जो उसके बाद में इसको रिनोवेशन किया, अभी फिर भी यहाँ जो मंदिर की परिसर काफी खूबसूरत है। आप देखिए इतना खूबसूरत जो देहरादून की जो मंदिर, हमें बहुत ही अच्छा लगा तारकेश्वर मंदिर। जो आप लोग आइए यहाँ, वेलकम टू है, और भोले बाबा का दर्शन जरूर कीजिए। भोले बाबा बहुत ही हर हर महादेव, हर किसी का जो दुख सुनता है, हर हर महादेव। और आप आइए दर्शन के लिए भोले बाबा का, जल चलाने के लिए जो शिवलिंग प्राचीन काल की। सेंस में हम अभी आपको मैं जो मंदिर के जो नीचे जो नदी बह रही है, जो तमसा नदी है, उनको आपको दिखाने के लिए सामने से दिखाऊंगा, और आपको पसंद आए। और जो काफ़ी बड़ी होती है नदी, जो अभी बारिश नहीं है इसलिए नदी जो है काफ़ी छोटी लग रही है, जो
बारिश होने के टाइम में ये जो नदी जो है पूरा भर जाता है, जो तमसा नदी ये तापकेसर टेम्पल की जो बगल में जो नदी है, जो तामसा नदी काफी खूबसूरत नदी है, आप देखिए फ्रेंड्स काफी ऑसम ब्यूटीफुल। फ्रेंड्स बजरंगबली का जो मूर्ति है काफी लंबाई पे है, ये देखिए बजरंगबली। और अभी यहाँ की जो मंदिर की दर्शन हो गए और हम लोग आगे और एक शिव मंदिर है शिवालय वहाँ जा रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, बजरंगबली की जो मूर्ति है, प्रतिमा है बजरंगबली की जो मूर्ति है काफ़ी बड़ी है, आपको दिखा रहा हूँ ऊंचाई उनकी, हाइट देखिए फ्रेंड्स। और मंदिर यहाँ से खूबसूरत, यही है फ्रेंड्स जो तपकेसर मंदिर देहरादून। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मंदिर में जो तपकेसर मंदिर में माता की मंदिर है जो वैष्णो देवी माता, मैं वहाँ पे आपको भी दिखाऊंगा मैं वैष्णो देवी की माता की जो मंदिर है। हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए जो नदी जो बह रही है कितनी खूबसूरत नदी है। अभी आपको मैं मंदिर की ओर ले जा रहा हूँ फ्रेंड्स। ये भगवान कृष्ण की मूर्ति, फ्रेंड्स यहाँ पे शनि महाराज की जो मूर्ति है, यहाँ पे आप माठा तक किया शनि जी की, आपको दिन खुश रहे से पहले आप गणेश जी यहाँ पे विराजमान है। ओम गणेश नमः, श्री गणेश नमः। माँ दुर्गा के बाहर जो मंदिर है ये है फ्रेंड्स, काफ़ी खूबसूरत है माँ दुर्गा के मंदिर के फ्रेंड्स। ये है तपकेसर मंदिर की और जो वैष्णो देवी माता के मंदिर की जाने वाला रोड है, ये गुफा है, सुरंग के नीचे से जाना होता है। हर हर महादेव है, माँ दुर्गा माँ काली जी, माँ वैष्णो देवी, माँ वैष्णो देवी। वैष्णो देवी जी की मंदिर पंपेतवा साइड और फ्रेंड्स, अभी वैष्णो देवी के जो मंदिर है गुफा के अंदर है ये। हेलो फ्रेंड्स, ये जो मंदिर देखिए आप, जो बजरंगबली की जो मूर्ति है काफ़ी ऊंचाई हाइट पे, अभी उनके पैर छूता हूँ मैं फ्रेंड्स। बजरंगबली हर किसी का जो दुख में साथ देता है, मैं उनसे प्रणाम करता हूँ बजरंगबली। आप फ्रेंड्स ये है बजरंगबली, ये बजरंगबली हम हनुमान से, हनुमान जी बजरंगबली, आप मंगलमय रहिए हर किसी को। ये बजरंगबली की जय, जय सीताराम, जय सियाराम, 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 हर हर महादेव। ये बजरंगबली की मूर्ति है काफ़ी हाइट पे है और ये उनके पाँव छूना तो बड़ी दुर्भाग्य की बात होते हैं। मैंने बजरंगबली की जो पाँव छूया, हर हर महादेव, बजरंगबली की जय 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 सियाराम। फ्रेंड्स आपको ये दृश्य दिखा रहा हूँ जो नदी जो बह रही है तपकेसर मंदिर के नीचे, काफ़ी खूबसूरत जो व्यू से आपको दिखाऊंगा मैं। आप लोग देखिए जब मैं ब्लॉग पे, फ्रेंड्स वेलकम टू जस्ट ब्लॉग,
और अभीष की जय जय तप के सब मंदिर देहरादून में। बैठे हैं यहाँ पे जो तपकेसर मंदिर जो देहरादून के एक प्रसिद्ध मंदिर है वहाँ बैठे हैं मंदिर जी की दर्शन के लिए। मंदिर जो परिसर काफी बड़े हैं, हमको यहाँ प्रसन्न हुआ जो यहाँ के मंदिर को देख के काफी अच्छे लगे। जो शिवालय शिव महादेव की जो शिवलिंग के वो दर्शन किए काफी मन को शांति मिले और उम्मीद है आप लोग आइए दर्शन कीजिए जो तपकेसर मंदिर और देहरादून। और फ्रेंड्स तपकेसर महादेव मंदिर है जो देहरादून के एक सबसे प्रसिद्ध मंदिर में से एक है, जो आदिकाल में भोले शंकर ने यहाँ देवेश्वर के रूप में दर्शन दिए थे। और इस मंदिर की शिवलिंग पर एक चट्टान से पानी की बूंद टपकती रहती है। और आप देखिए जो हम देख के जो आश्चर्यजनक लगे जो जो मंदिर जो टपक रहा था बड़े। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ आके थोड़ा रिलैक्स कर रहा हूँ अभी जो पार्किंग प्लेस पे, अभी मंदिर में घूम लिया तो काफ़ी टायर्डनेस फील हुआ है। यहाँ मैंने जो फैमिली जो है वहीं पे है मंदिर की परिसर में, और मैं यहाँ पे आया हूँ जो रिलैक्स करने के लिए। यहाँ जो पेड़ है यहाँ के नीचे तो रिलैक्स मिला यहाँ आके, और अभी चलता हूँ दूसरी ब्लॉक में मिलूँगा फ्रेंड्स जो वो भी एक शिवलिंग है जो मसूरी रोड पर। आप लोग आइए और मैं आपको ले जा रहा हूँ मसूरी रोड की शिवलिंग पर। और एट द एंड हम अभी चल पड़े नेक्स्ट डेस्टिनेशन और नेक्स्ट ब्लॉग बनाऊंगा और आपको आपको इससे भी अच्छी जगह ले जा रहा हूँ फ्रेंड्स। अभी इस ब्लॉग पे मैं ये जो वीडियो अभी कंटिन्यू आपने दिखाऊंगा जो आज की ब्लॉग में इतनी में एंड करने जा रहा हूँ। और उम्मीद है मेरा जो आपको ब्लॉग पसंद आया, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज व्यूज माई ब्लॉग और पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए। और